हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम आपको दाल बाटी और चूरमा बनाने सिखाएंगे। इसमें कैसे दाल बाटी बनाया जाता है, जो कि एक प्रमुख राजस्थानी व्यंजन है। आइए देखते हैं वीडियो में। बाटी के लिए आपको मुख्यतः जो आटा है, थोड़ा गेहूं का आटा है, जो थोड़ा मोटा होना चाहिए, उससे कि जो बाटी का जो स्वाद आता है वो अच्छा आता है। तो सर्वप्रथम आपको जो गेहूं का आटा है उसको अपनी आवश्यकता अनुसार परात में छलनी से छल लेना है। और ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार। और इसमें आपको अजवाइन, जीरा और नमक, हल्दी आदि चीज़ें इसमें ऐड कर लेनी है स्वाद अनुसार। इससे क्या होता है कि दोस्तों, बहुत अच्छा जो इसका जो स्वाद आता है, सौंफ वगैरह वो भी डाल सकते हैं आप, तो जो ये पाचन में भी सहायक है। और इसके अलावा इसमें जो स्वाद है वो भी बहुत अच्छा आता है। थोड़ी हल्दी भी आपको डाल लेनी है, नमक अपने स्वादानुसार। और इसको अच्छे तरीके से इसमें, इस आटे में जो आपने लिया था, इसमें इसको मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, इसमें हम ये जो बाटी है थोड़ी मुलायम रहे, इसके लिए हम और भी कुछ चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें आटे में हम थोड़ा मोइन के तौर पर दही भी ऐड कर लिया हमने। देखिए, दही ऐड कर लिया है, जिससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। और साथ ही आपको थोड़ा घी भी इसमें ऐड कर लेना है, ताकि जब ये बाटी सिकती है तो इसके अंदर थोड़ी मुलायम रहती है। दोस्तों, वैसे जो बाटी है, जो कंडे की बाटी है, वो अच्छी लगती है, लेकिन आज हम जो गैस पे जो ओवन है उसी पर बना के आपको बताएंगे बाटी, जो कि राजस्थानी एक प्रमुख व्यंजन है। और यह राजस्थान में खास तौर पर धार्मिक अवसरों, गोठ या शादी समारोह, बर्थडे पार्टी आदि बहुत सारे फंक्शन में इसको बनाया जाता है। और आमतौर पर यह राजस्थान का एक प्रमुख पारंपरिक व्यंजन है, जो कि आमतौर पर घरों पर बनाया जाता है। जैसे कि शहरी परिवारों में कभी छुट्टी है आपकी शनिवार या रविवार को, तो विशेष तौर पर बनाया जाता है। और गांव में तो यह आमतौर पर कभी भी बना लिया जाता है। दोस्तों, उधर अपन बाटी का आटा लगा रहे हैं, इसके साथ साथ अपन दाल की तैयारी भी कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम अपने को कुकर में लगभग एक या दो कटोरी अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें दाल ऐड कर लेनी है। दाल में आप मिक्स दाल भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप उड़द की दाल लेते हैं तो बहुत अच्छा है। देखिए, थोड़ा अपन इसमें कुकर में थोड़ा तेल भी ऐड कर लेते हैं इसी पानी के साथ में, ताकि जो इसमें उफान है वो नहीं आता है इसकी वजह से। और इसको अपन 2 से 3 सीटी लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो पानी थोड़ा अच्छा है, तो इसमें क्या दाल अच्छे से पकती है, तो 2 सीटी में ये जो दाल है वो अच्छे तरीके से पक जाती है। बाकी आपको उड़द की दाल के लिए कम से कम 4 से 5 सीटी लेनी होती है, तभी जाके वो अच्छे तरीके से पकती है। अभी देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था, 2 सीटी ली हमने और दाल बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। और जो अपन ने तेल डाला था, उसका भी फायदा हुआ कि ये जो बफती है तब पानी बाहर नहीं निकलता, मतलब उफान नहीं आता है। ये देखिए, आटा जो लगा रहे थे अपन, उधर अपन ने दाल को बाफ लिया, एक तरफ साइड में रख लेना है ठंडा होने के लिए। और बीच में अपन दूसरी दाल की तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कि बघार के लिए आप मिर्ची वगैरह, टमाटर और ये आदि कट करके रख लें, और हरा धनिया अगर है तो और बहुत अच्छी बात है, हरा धनिया से स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये आपको कट करके रखना है। आटा जो मैं कह रहा था, मोइन वोइन मिला के अपन ने अब इसको अच्छे तरीके से गूंथ लेना है। दोस्तों, इसमें थोड़ा जोर भी आता है, क्योंकि आटा लगाना एक कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसमें काफ़ी मेहनत का कार्य होता है। लेकिन जो हमारे घर की महिलाएं होती है, उनके लिए तो एक रूटीन का काम है और वो बड़ी आसानी से इसको कर लेती है। ये देखिए, इस प्रकार ये जो है आटा लग गया है पूरा। और अब अपने को बाटी, इसके जो लोहे, जैसे अपन रोटी के लिए लोहे तोड़ते हैं, उसी प्रकार से थोड़ी मीडियम साइज़, या अपने साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी बड़ी रखेंगे उतनी ठीक है, क्योंकि अंदर से जो ये अच्छे से सिकती है और जलने का भी कम खतरा रहता है, ज़्यादा छोटी बाटी क्या जलने का खतरा रहता है। लेकिन ओवन वगैरह में वैसे थोड़ा ताप कम ही जाता है, तो उससे भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इसको, ये देखिए, इतने सारे हमने जो आटा था इसकी बना लिए बाटियाँ, इन बाटियों को अब अपन, मैं जैसा कह रहा था कि गांव में तो ये जो कंडे वगैरह रहते हैं अपने पशुओं का, जो उसका
उसके रहते उससे जो कंडे बनते हैं उसके ऊपर बनाया जाता है, लेकिन आज हम यहाँ गैस के ऊपर, ये ओवन है, ओवन के ऊपर अपन ने इसको रख दिया है सिकने के लिए। ये देखिए इस प्रकार आप धीरे धीरे जितनी भी बाटे बनाई है उनको वन बाय वन इस पर रख देते हैं ओवन के ऊपर। और सबसे इसमें जो है मुख्य जो ध्यान रखने वाली बात है, इसको आपको घुमाते रहना है, क्योंकि अगर एक जगह पर रहेगी तो जलने का खतरा है, और अगर बाटी जल जाती है तो फिर उसमें जो स्वाद है वैसा नहीं आता है। बाटी का सिकना उसका जो ध्यान रखना है वही सबसे लगनी नहीं चाहिए बाटी, मतलब यानी कि जो जलनी नहीं चाहिए। ये देखिए दोस्तों वन बाय वन इस प्रकार से अपने को रख लेना है इसमें, और ऊपर जो ढक्कन आता है उसको कवर कर देना है, और बीच बीच में सबसे जो मुख्य बात है इसको घुमाते रहना है, एक बंदा यहीं पास में रहना चाहिए ताकि ये जले नहीं। और या फिर अगर आप कहीं दूसरा काम कर रहे हैं तो आँच जो है गैस की उसको थोड़ा कम कर लें, जिससे कि जलने का खतरा कम रहेगा। ये देखिए अभी हमने रखी थी कि देखिए एक तरफ से ये हल्की हल्की सिक गई है, और इसको कंटिन्यूस आपको ऐसे घुमाते रहना है, जैसे जैसे घुमाते रहेंगे तो ये बाटी जो है ये कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए तो सिकती रहेगी। और वापस इसको थोड़े थोड़े अंतराल में देख लेना है, क्योंकि थोड़ी मोटी बाटी बनाई है तो घुमाना भी है और सिकने में भी टाइम लगेगा इसको। ये देखिए इनका रंग चेंज हो गया है, और बाटी जो होती है जैसे सिकती जाएगी फिर इसमें दरारें आने लगती है, और वो दरारें जो हैं वो कहती है कि अब हमें घी की ज़रूरत है। तो लेकिन वो सिकने के बाद ही हम अपने को, जब पूरी तरीके से सिक जाएगी तभी बाटी में घी डाला जाता है। बहुत ही शानदार राजस्थानी व्यंजन, ऐसा कैसे बिहार में भी व्यंजन होता है, लेकिन जो राजस्थानी व्यंजन है वह महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह होटल वगैरह में भी यह व्यंजन मुख्य तौर पर परोसा जाता है विभिन्न अलग अलग प्रकार से। दाल अपन ने कर ली थी, अब दाल का भी बघार लगा लेते हैं। तो मैंने बताया था अपने को कि पहले हरी मिर्च वगैरह और ये कट करके रख लेनी है, और अब दाल का जो बघार है यानी कि जो दाल जो अपन ने कुकर में जो बफली थी उसको अब यहाँ पर कढ़ाई में उसको बघार लगा, मतलब तड़का लगाना है अच्छे से। वो आप अपने स्वाद अनुसार तेज़ मिर्ची भी रख सकते हैं, या अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो कम भी रख सकते हैं। देखिए हमने टमाटर वगैरह पहले से काट के रख रखे थे बघार में, बहुत अच्छे से इसको अच्छे से सेक लेना है, क्योंकि कच्चा मसाला कच्चा हुआ नहीं होना चाहिए, कच्चा मसाला आपके पेट के लिए भी हानिकारक होता है, और दोनों चीज़ें हैं। तो मसाला जो है अच्छे तरीके से पक लेना चाहिए, क्योंकि दाल तो पहले से ही बफ चुकी है। ये देखिए बफी हुई दाल हमने डाल दी, और टमाटर जो है इसमें है ये भी इसमें अच्छे तरीके से अपने को, ये अपन चूल्हे पे इसको कर रहे हैं, गैस अभी फ्री नहीं है तो चूल्हे पे चलो ठीक है। और चूल्हे के जो स्वाद आता है दाल में वो एक अलग स्वाद आता है। बाकी बहुत सारे जो है डायरेक्ट कुकर में भी बनाते हैं, लेकिन उसमें जो स्वाद है उतना अच्छा नहीं आता है। इस तरह आप दाल को बाप के और फिर जो बघार लगाते हैं तो उसका जो स्वाद बनता है बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और बाटी के साथ तो दाल और बाटी का संगम तो अलग ही है। चूरमा जो है दोस्तों वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है। चूरमे में क्या होता है कि लड्डू को सेक लेते हैं, और उसको फिर अपन फोड़ के उसके अंदर चीनी, कोपरा और आदि जो है काजू बादाम पिस्ता वो मिक्स करके, और वो भी चूरमा बहुत ही शानदार लगता है दाल बाटी और चूरमे का। आज हम चूरमा नहीं बना रहे हैं, अभी केवल दाल बाटी बना रहे हैं। ये देखिए इधर अपन ने दाल तैयार हो गई, और यहाँ पर जो बाटियाँ हैं लगभग ये भी अभी जो कवर करके अपन ने रख ली थी तो ये भी अपने को लगभग सिकने को तैयार हो गई है। वही है बाटी में मेन यही है, बस आपको बीच बीच में ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। एक जो व्यक्ति है इसके पास में हमेशा रहना चाहिए, और थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि जो आटा है रोटी में तो ये होता है कि उसको अपन फ्लैट कर देते हैं तो जल्दी से सिक जाती है, लेकिन बाटी में तो जो सरफेस है वो कम मिलती है, और आँच जो है अलग अलग दिशाओं में इसकी आँच लगती है तभी ये सिक पाती है। ये देखिए ऊपर से कवर वर्क है, इससे भी थोड़ा जल्दी सिक जाती है। अभी इन्होंने कलर भी चेंज हो गया है, और अभी ये लगभग सिकने को आई है। तो सिक दाल अपनी तैयार रही है, और बाटी भी लगभग सिकने आ गई है। अभी इस प्रकार से आपको एक कटोरी में अच्छे से घी ले लेना है, और हर बाटी को फोड़ते हुए उसको अच्छी तरीके से, ताकि जो बाटी है वो पूरा सा घी अच्छे से पी ले। अगर आप घी वगैरह जो गरिष्ठ भोजन अगर वो कम खाते हैं तो आप जो घी है वगैरह वो भी आप
कम भी गिरता है उसको जल्दी से आप डाल के कम घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बाटी के लिए तो यही है कि आप जितना ज़्यादा अच्छा बाटी घी पिएगी तो उतने ही उसका स्वाद बनता है। तो इस प्रकार अपने को देखिए, एक किसी बर्तन में अपन ले सकते हैं, गर्म बाटी रहती है तो इसमें हाथ भी बहुत तेज, हाथ का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो आप हल्का ठंडा करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो है मौसम के अनुसार है। अभी गर्मी है तो घी पिघला हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए तैयार हो गई अपनी बाटी और दाल, एक में अपन ने बाटी रख ली है और एक तपेली में दाल अपन ने सर्व कर ली है। अब अपने इच्छा अनुसार इसी देखिए अपनी दाल बाटी की थाली है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें आप सलाद वगैरह नींबू मिर्च जो है अपने स्वाद अनुसार काट के रख सकते हैं। और दोस्तों जब आप इस दाल और बाटी का आनंद लेंगे तो आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे, क्योंकि राजस्थान में जो है दाल बाटी को एक शगुन के तौर पर माना जाता है, और यह एक कोई भी मेहमान आते तो मेहमान नवाजी के लिए भी एक सबसे उपयुक्त जो पकवान है वो माना जाता है, क्योंकि ये जल्दी से भी बन जाता है, साथ ही इससे जो स्वाद आता है तो आप जो आपके मेहमान हैं वो आपके मेहमान नवाजी के कायल हो जाते हैं और वो आपकी मेहमान नवाजी को हमेशा याद रखते हैं। दोस्तों अगर इसके साथ चूरमा होता है तो वो भी बहुत अच्छा होता है, थोड़ा हैवी भोजन है ये, लेकिन स्वाद के आगे कोई भी हैवी नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों आशा है आपको, और दाल बाटी खाने के बाद नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।